एक ऐसे जननेता जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, एक ऐसे जननेता जिन्होंने हरियाणा को बुलंदियों पर ले जाने में अपना पूरा जीवन बिता दिया, एक ऐसे जननेता जिन्हें गरीब व आम जनता अपना मसीहा समझती थी। भजनलाल जी का जन्म दिन समारोह मनाया जा रहा है। तीन लाल मशहूर हैं हरियाणा में, बंसीलाल जी, देवीलाल जी और भजनलाल जी। और भजनलाल जी बहुत मृदुभाषी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी उनके ऊपर। तो उनके बेटे बिश्नोई जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल के आगे उनका नाम रोशन करेंगे, सेवा करेंगे। और इसमें आप लोग जो समारोह कर रहे हैं सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग इस काम को कर रहे हैं, उनकी जयंती को। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग विरही मिलते हैं, किसी से भी सरल भाषा में बात करते थे, मिलते थे, जुलते थे, सबको मदद करते थे। और बिश्नोई जी के कंधा पर वो अपना अधूरा काम छोड़ कर गए हैं, तो इस काम को आगे और बढ़ाइए। मैं भजनलाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। एक नेता जो सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे, एक ऐसे नेता जिनका प्रभाव प्रदेश नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी था। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी बहुत ही मधुर भाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। हमारे राजनीतिक मतभेद तो थे, लेकिन उनसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। वे बहुत बड़ी सोच के व्यक्ति थे। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की सेवा करी, वहीं बिश्नोई समाज को एक बड़ी पहचान दिलवाई। वो जहां प्रदेश की चिंता करते थे, वहीं समाज की भी हमेशा चिंता करी। ऐसे ही नेता थे गरीबों के मसीहा, लोक पुरुष चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल का नाम हरियाणा की राजनीति में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। भजनलाल जी की प्रतिमा का जो निवारण हो रहा है आज, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई जी को, जो इस कार्य में उन्होंने कहा तो भजनलाल जी के रास्ते पर जो चल रहे हैं, और वो एक बहुत ही सादा स्वभाव और बहुत मिलनसार और मीठा स्वभाव, किसी को नाराज करने के उनके कभी वो नहीं रहती थी, सबको खुश रखने की उनकी प्रवृत्ति थी। तो आज वो नहीं है, आज यही है। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, और कुलदीप बिश्नोई जी जो रास्ता दिखा गए हैं उस पर चलते रहेंगे और अपने परिवार का नाम ऊपर लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मेरी सबको शुभकामनाएं। जिन्होंने राजनीति को नए आयाम दिए, तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र में कृषि मंत्री रहने वाले चौधरी भजनलाल में लोगों से जुड़े रहने की भावना अंतिम समय तक कायम रही। वे प्रदेश की जनता को सबसे ऊंचा मानते थे, और इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक वारिस कुलदीप बिश्नोई को विशेष तौर पर हमेशा जनता के हितों की लड़ाई लड़ने और जनता के बीच में रहने के संस्कार दिए थे। उन्हें के पद चिन्हों पर चलते हुए आज कुलदीप बिश्नोई राजनीति के मायने बदलने में लगे हुए हैं, और उसूलों व ईमानदारी की राजनीति करते हुए उनका नाम रोशन कर रहे हैं। व्यवहार कुशल चौधरी भजनलाल न केवल आदर्श प्रशासक रहे बल्कि बेजोड़ संगठनकर्ता के रूप में भी उनका कोई सानी नहीं था। अपने 43 वर्ष के लंबे राजनीतिक जीवन में चौधरी भजनलाल ने विकट से विकट स्थिति में भी किसी दबाव व समस्या को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अपने शासनकाल में चौधरी भजनलाल द्वारा लागू की गई कुछ एक विकास योजनाएं जो मील का पत्थर साबित हुई, उनमें टेक्निकल हब,
व औद्योगिक नगरी बन चुके गुड़गांव का ब्लूप्रिंट चौधरी भजनलाल के कार्यकाल के समय ही तैयार किया गया था। 1985 में प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल में उन्होंने ही स्थापित किया। 1994-95 में रोहतक के मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर उन्होंने रखा। 1994 में चौधरी भजनलाल ने पंजाबी भाषा को हरियाणा में दूसरी भाषा का दर्जा दिया। मुझे जान के बड़ा हर्ष हो रहा कि भजनलाल जी के जन्मदिन पे उनकी मूर्ति का अनावरण आदमपुर में उनकी समाधि स्थल पर हो रहा है। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भजनलाल जी के साथ 6 साल से ज्यादा मंत्रिमंडल में उनके साथ रहा और 2 बार रहा, और उनकी जो खासियत थी वो ये थी कि वो जनसाधारण से मिलने में उनको कोई संकोच नहीं था। हर आदमी से मिलके उसकी समस्या सुन के उसके समाधान के लिए वो कोशिश करते थे, और वैसे भी देखा जाए तो बड़े साधारण एक कृषक परिवार से वो आए और अपनी योग्यता के बल पे, अपनी बुद्धि की क्षमता पे उन्होंने हरियाणा में 12 साल से ऊपर के समय मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और अनेक सारी डेवलपमेंट प्रगति के कार्य किए। साधारण प्रतिभा का आदमी इतने बड़े पद पे नहीं जा सकता, उनमें कोई असाधारण विशेषताएं थी और उन्हीं विशेषताओं के माध्यम से वो अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनको और भाई कुलदीप विश्नोई जो उनके सपुत्र हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। एक परिवार एक रोजगार जैसी योजना लागू करके रोजगार के अवसरों को सभी वर्गों को समान रूप से लाभ दिया। SYL का पानी हरियाणा में लाने की पहल सर्वप्रथम चौधरी भजनलाल ने की और 9 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कपूरी में कस्सी चलवाकर इसके निर्माण का कार्य शुरू करवाया और SYL के निर्माण का 98% कार्य उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। मानवता इंसान तो मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा रहे, लोकसभा के रहे, इतने साल तक रहे, वो गरीब छत्तीसगढ़ के नेता थे, वो गरीबों की सुनते थे और चौधरी कुलदीप बिश्नोई को आशीर्वाद देते थे कि मुख्यमंत्री बने। कुलदीप बिश्नोई एक ईमानदार और ईमानदार संघर्षशील नेता है और बड़ी भाई संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो भजनलाल जी के जगह ले और पूरा संघर्ष करते हुए बोले इसके पर मुख्यमंत्री बन के जैसे भजनलाल जी ने काम किया इस तरह गरीब लोगों के देश के प्रदेश के लोगों सेवा करें। इसके बाद SYL का पानी लाने के लिए उन्होंने आंदोलनों सहित सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी। आज भी जनता प्रदेश के विकास में उनके योगदान को याद करती है और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई पूरी शिद्दत से प्रदेश की जनता के हितों की रखवाली करने में लगे हुए हैं। चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा में कितने काम किए, SYL कैनाल की आज ये बात करते हैं, आज समान बंटवारे की ये बात करते हैं, ये आपने देखना है कि SYL कैनाल पे अगर कोई काम हुआ, जितना भी काम हुआ, अगर चौधरी भजनलाल जी के अलावा किसी मुख्यमंत्री ने एक भीड़ लगाई हो तो कुलदीप बिश्नोई राजनीति छोड़ने को तैयार है। जितना काम, चाहे कपूरी गांव में इंदिरा गांधी को ले जाकर SYL का काम शुरू कराने की बात थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात थी, चाहे राजीव लौंगोवाल अकाउंट कर साइन कराने की बात थी, चाहे रामलीला मैदान में रैली करके प्रधानमंत्री निवास का घेराव करने की बात थी, सारा का सारा काम चौधरी भजनलाल जी ने किया। आप जानते हैं ये लोग कहते हैं पानी ला के देंगे आपको, ये सिर्फ गुमराह करने की जात करते, अपनी बेटी अपना धन, यमुनानगर थर्मल प्लांट, हजारों काम चौधरी भजनलाल जी ने किए। चौधरी भजनलाल के अधूरे सपनों को पूरा करने व उनके शासन काल का वही स्वर्णिम दौर लाने के लिए आप चौधरी कुलदीप बिश्नोई का साथ दें।